गुल्ली बुल्ली और शॉन मेले में से आ रहे हैं और मेले में से इन्होंने कुछ डरावनी शक्ल के मास्क भी खरीदे हैं। शॉन कहता है कि हम लोग इनसे बाबा को डरा पाएंगे क्या, कहीं वो हमें धो तो नहीं देंगे ना। बुल्ली कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है क्या, वो जरूर हमें मारेंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो, ये सुन के मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है, जल्दी गाड़ी रोको, मुझे हल्का होना है। शॉन तो बहुत जल्दी में लग रहा है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम क्या कहते हो, शॉन के साथ थोड़ी मस्ती करे क्या, आखिर ये लोग क्या शैतानी करने का सोच रहे हैं। करीब 10 मिनट के बाद ही शॉन वापस आने लगा, मगर यहाँ से तो गुल्ली बुल्ली गाड़ी के साथ गायब हैं। गुल्ली बुल्ली कहाँ गए दोनों? शॉन को लग रहा है कि उन दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया, ये दोनों को ढूंढने के लिए जा रहा है। तभी यहाँ कुछ आवाज आने लगी। इन्हें देख के शॉन की हालत खराब हो गई है। गुल्ली बुल्ली कहाँ हो, बचाओ मुझे, मुझ पे हमला हो चुका है। शॉन जान बचा के भागने लगा। ये बुल्ली तो लड़खड़ा के गिर गया और शॉन ने भी इसको देख लिया। शॉन कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, अब तो तुम दोनों गए काम से। गुल्ली कहता है कि शॉन हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, तुम तो बड़े डरपोक हो, भला तुम मास्क से हमें पहचान क्यों नहीं पाए। यहाँ तो फिर से एक शोर आने लगा। शॉन कहता है कि अब मैं तुम लोगों से नहीं डरने वाला हूँ, इसलिए शोर बंद करो। गुल्ली कहता है कि मगर शॉन हम ये शोर नहीं कर रहे हैं, सामने वाले पेड़ पे तो जेसन है और ये इन तीनों को ही देख रहा है। गुल्ली कहता है कि मेरे हिसाब से हमें अपनी गाड़ी लेके निकलना चाहिए, शायद ये कोई जंगली जानवर है। गुल्ली अपनी गाड़ी को लेने के लिए जाने लगा। ये आवाज कैसी थी, ये तो इन्हीं लोगों की गाड़ी है। गुल्ली कहता है कि ये किसने किया, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जेसन इसकी बात सुन के बाहर आ गया। गुल्ली कहता है कि यहाँ पे जेसन कैसे आया और तुम दोनों वहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी निकलो वरना वो हमें मार देगा। ये लोग जेसन से अपनी जान बचा के भागने लगे, मगर अब जेसन भी इनके पीछे लग चुका है। तीनों भागते हुए कुछ लोगों के पास आ गए और अभी जेसन काफी पीछे है। इनमें से एक आदमी कहता है कि अरे कौन हो तुम लोग और इतने रात में कहाँ से आ रहे हो, कहीं चोर तो नहीं हो ना। शॉन कहता है कि हम कहाँ से तुम्हें चोर दिख रहे हैं। बुल्ली कहता है कि तुम सब जल्दी से इधर से भागो, पीछे से जेसन आ रहा है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देगा। मगर इन्हें लग रहा है कि ये मजाक कर रहे हैं। तुम सब यहाँ से जाओ, हम किसी से डरते नहीं हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन इनको ऐसे ही छोड़ के आगे जाने लगे। वैसे ये जेसन है कौन, आखिर किसकी बात कर रहे थे वो? मुझे तो लगता है कि वो लोग कोई खेल खेल रहे हैं, तुम उन पे ध्यान मत दो। मगर अब जेसन यहाँ तक आ चुका है और इसने अपने सामने इसको बैठा देख लिया। इसका दोस्त ये सब देख के इतना घबरा चुका है कि ये हिल भी नहीं पा रहा है। जेसन से बच पाया है सिर्फ, मगर जेसन यहीं पे छिपा हुआ था और अब ये तीनों जेसन के हाथों मारे जा चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन इस पास के ही गांव में आ चुके हैं। गुल्ली कहता है कि अच्छा वो हमें एक गांव मिल गया, हमें यहाँ जरूर कोई मदद मिल जाएगी। तीनों यहाँ लोगों को ढूंढ रहे हैं। बुल्ली कहता है कि ये गांव तो पूरा सुनसान लगता है, यहाँ के लोग कहाँ हैं? गुल्ली कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस गांव के लोगों को जेसन ने मार दिया। इन लोगों को अब जल्दी कहीं छिपना होगा क्योंकि जेसन यहाँ आ पहुंचा है। गुल्ली और शॉन इस घर के टूटे हिस्से से अंदर आ चुके हैं, मगर बुल्ली को किसी घर में जाने का मौका ही नहीं मिला। जेसन भी इन्हें ढूंढते हुए आ रहा है, मगर जेसन को शक हो गया कि यहाँ पे कोई छिपा हुआ है, ये तो इस घर की ओर ही आने लगा। गुल्ली और शॉन इससे बाल बाल बचे हैं।
मॉली झांक के जेसन को देखने की कोशिश करने लगा। ये तो पेड़ से ही गिर गया और अब जेसन ने बुल्ली की आवाज सुन ली है। ये दौड़ते हुए बुल्ली की ओर ही जा रहा है। बुल्ली ने सही समय पे इसे पेड़ के टुकड़े से मार के गिरा दिया और मौका पाके ये भागने लगा है। जेसन खड़ा होकर बुल्ली को ही देख रहा है, मगर अब ये क्या करने लगा। बुल्ली हाँ भागते हुए गुल्ली और शॉन के पास आने लगा। गुल्ली कहता है कि बुल्ली जेसन कहाँ है। बुल्ली कहता है कि वो नहीं गया है, मगर मैं उससे बस बाल बाल ही बच के आ रहा हूँ। हमें इसी जगह पे छिपना चाहिए थोड़ी देर। मगर यहाँ ये आवाज कैसी आ रही है। जेसन ने तो यहाँ एक ड्रैगन बुला लिया है, और भला इसे ड्रैगन कहाँ से मिल गया। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली वो कैसी आवाज थी, लगता है कोई बड़ी सी चिड़िया आई है। गुल्ली कहता है कि मैं बाहर देखता हूँ। बुल्ली जेसन को ना देख के बाहर आ रहा है। ये कहता है कि लगता है जेसन इधर से चला गया है, यही मौका है हमारे पास, इधर से निकलते हैं। मगर जेसन यहाँ से कहीं गया नहीं था, ये इस ड्रैगन पे से इन पे नजर रखे हुए था। शॉन कहता है कि ये वही आवाज दोबारा कैसे आने लगी, आखिर कहाँ से आ रहा है शोर। तभी तीनों की नजर पीछे ड्रैगन पे जाती है। जेसन कहता है कि बहुत हुआ तुम तीनों का खेल, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली बुल्ली से बच गए, मगर शॉन पे ड्रैगन ने हमला कर दिया। गुल्ली कहता है कि बुल्ली हम शॉन को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो दोनों उसे मार देंगे। बुल्ली कहता है कि मगर गुल्ली हम दोनों उन्हें नहीं हरा सकते हैं, अगर हम गए तो हम भी मारे जाएंगे, हमें किसी की मदद लेनी होगी। इन दोनों को अभी यहाँ से भागना पड़ा। ड्रैगन कहता है कि जेसन मैं इसको अपनी गुफा में ले जाके खा सकता हूँ क्या। जेसन कहता है कि हाँ जरूर, तुम मेरे साथ ही हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, लेके चलो इसको अपने साथ। गुल्ली बुल्ली मदद के लिए अभी भी दौड़ी जा रहे हैं। सामने इनकी गाड़ी पड़ी है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली हम इसको चला के जा सकते हैं क्या। गुल्ली कहता है कि बिल्कुल नहीं, जरा तुम इसकी हालत तो देखो, हमें पैदल ही दौड़ के जाना होगा। दोनों दोबारा मदद के लिए जाने लगे। ये सामने से क्या आ रहा है। ये तो रॉड है, और ये रॉकेट पे बैठा हुआ इधर ही आ रहा है। रॉड इन्हें देख के कहता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हारी गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है, भला कहाँ लड़ा के आ रहे हो इसे। गुल्ली कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए रॉड, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जेसन ने शॉन पे हमला कर दिया है, यहाँ तो कोई और भी आ रहा है, ये तो बाबा हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। बाबा कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। गुल्ली बुल्ली शॉन और जेसन के बारे में सारी बातें बताने लगे। बाबा कहते हैं कि तू ऐसी बात है तो जल्दी रॉकेट पे बैठ जाओ, हमें उसके पास जाना होगा। ये तो शॉन बेहोश हो चुका है और ये दोनों इसके सामने ही खड़े हैं। ड्रैगन कहता है कि इसके लिए शुक्रिया जेसन, अब मैं इसको आराम से खा सकता हूँ। जेसन कहता है कि इसको तुम गुफा में क्यों नहीं रखते हो, ऐसे तो ये होश में आके भाग जाएगा। ड्रैगन कहता है कि उसकी चिंता मत करो, यहाँ कोई और भी रहता है, गुफा से तो कोई बाहर आ रहा है। जेसन कहता है कि ये तो बहुत सही है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। जेसन इधर से चला गया। ये ड्रैगन को अचानक क्या हो गया। अरे ये तो बस सो रहा है, और अब यह अजीब सा इंसान शॉन को गुफा में रखने के लिए लेके जाने लगा, ताकि जैसे ही ड्रैगन को भूख लगे वो शॉन को खा सके। मगर ऐसे घिसटने की वजह से शॉन की आंखें खुल चुकी हैं। ये इस इंसान को धक्का दे देता है। शॉन कहता है कि कौन हो तुम और मैं ये कहाँ हूँ। लगता है इसका इरादा बातचीत करने का नहीं है। ये शॉन को चाकू लेके दौड़ा रहा है, मगर कहीं गलती से ड्रैगन उठ ना जाए, वरना शॉन को मार देगा। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड के साथ इस गांव में आ गए, पर इन्हें पता ही नहीं है कि शॉन यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। बुल्ली कहता है कि बाबा वो सभी यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो। बाबा कहते हैं कि मुझे लगता है वो लोग शॉन को कहीं और लेके गए हैं। रॉड कहता है कि बाबा हम उन्हें दो तरफ से ढूंढने चलते हैं, किसी ना किसी को वो जरूर मिल जाएंगे। बुल्ली कहते हैं कि रॉड तुम्हारा प्लान बहुत सही है, ऐसा ही करते हैं हम लोग। ये लोग दोनों तरफ शॉन को ढूंढने के लिए जाने लगे। इधर शॉन और यह अजीब सा इंसान अभी भी दौड़ ही रहे हैं। ये तो अचानक लड़खड़ा के गिर गया।
यही मौका है शॉन के पास इससे पीछा छुड़ाने का। शॉन इस पे बैठ के इसको मारने लगा है, मगर इस शोर शराबे से ड्रैगन खड़ा हो चुका है और इसने शॉन को देख लिया है। बुल्ली और रॉड यहाँ तक आ चुके हैं और इन लोगों ने ड्रैगन को शॉन की तरफ ही बढ़ता हुआ देख लिया। बुल्ली कहता है कि रॉड वो ड्रैगन वही है जिसने हम पे हमला किया था, हमें कुछ करना होगा इससे पहले शॉन को मार दे। रॉड कहता है कि जल्दी इस रॉकेट से नीचे कूदो। रॉकेट सीधा आके ड्रैगन को लग गया। शोर सुन के शॉन भी इसकी तरफ ही देखने लगा। शॉन ड्रैगन को मरा हुआ देख के बहुत खुश है, मगर साथ ही साथ ये बहुत हैरान भी है। ये कहता है कि कौन है जिसने मेरी जान बचाई, सामने आओ अभी। ये दोनों तो धड़ाम से जमीन पे आ गिरे। शॉनी ने देख के खुशी के मारे इनके पास आने लगा। ये कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, आखिर कहाँ से मार खा के आ रहे हो। मगर ये इंसान अब जग चुका है और ये चाकू लेके इन्हें मारने आ रहा है। लोग बाल बाल बच गए। रॉड कहता है कि बहुत बढ़िया बुल्ली, अब जल्दी हमें इधर से निकलना चाहिए। मगर यहाँ कोई है जो इन्हें देख रहा है। जेसन इन दोनों को मरा देख के इनसे बदला लेना चाहता है। इधर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये पत्थरों के पार कैसे जाएं। रॉड कहता है कि लगता है रॉकेट बर्बाद करके हमने गड़बड़ कर दी है, हमें इधर कोई रस्सी ढूंढनी पड़ेगी। अब जेसन छिपते हुए इनके पास ही आ रहा है। तीनों अब यहाँ से रस्सी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बुल्ली कहता है कि मैं गुफा में देखता हूँ, और अब ये गुफा में जा रहा है और ये दोनों भी अभी अलग अलग हैं। जेसन तो इन्हें एक एक करके मार देगा। जेसन ने पीछे से शॉन को चाकू मार दिया। रॉड जेसन को देख के कहता है कि जेसन तुम यहाँ कब से छिपे हो और भला तुम छिप के हमला क्यों कर रहे हो, दम है तो सामने सामने मुझसे मुकाबला करो। अब तो इन दोनों की लड़ाई होने वाली है। रॉड ने तो यहाँ बर्फ का मॉन्स्टर बुला लिया, भला इसने ये सब कब सीखा। मॉन्स्टर ने जेसन को दाब दिया है और लगता है जेसन मारा गया। अरे ये तो अभी भी जिंदा है। इधर बाबा और गुल्ली अभी भी शॉन को ही ढूंढ रहे हैं। ये अचानक रॉकेट से रेड लाइट क्यों जलने लगी। गुल्ली कहता है कि बाबा ये कैसी लाइट है, कहीं इसका पेट्रोल तो खत्म नहीं होने वाला है ना। बाबा कहते हैं कि नहीं गुल्ली, ये रॉकेट दूसरे वाले से जुड़ा है, लगता है उसको किसी ने तोड़ दिया है, हम उस रॉकेट तक जा सकते हैं। ये लोग बस सही समय पे रॉड तक पहुंच जाएं, वरना पता नहीं जेसन रॉड का क्या करेगा। रॉड तो पेड़ पे लटका हुआ है। जेसन कहता है कि ऐसे डरे क्यों हो, दम है तो नीचे आओ। मगर रॉड का प्लान कुछ और ही था। इसने जेसन के हाथ को फ्रीज कर दिया ताकि अपना चाकू इस्तेमाल ना कर पाए, मगर फिर भी इसने रॉड को मार के फेंक दिया है और अब ये रॉड को देख के हंस रहा है। ये अपने हाथ की बर्फ को पिघलाने लगा ताकि रॉड को चाकू से मार सके। रॉड लड़ने के लिए दोबारा खड़ा हो गया। इधर शोर शराबे से बुल्ली भी गुफा से बाहर निकल आया और अपने सामने ही जेसन को देख के घबरा गया है। ऊपर से तो बुल्ली और बाबा भी आ गए और शॉन को घायल देखते ही ये लोग फौरन इसके पास आ गए। बाबा शॉन को ठीक कर रहे हैं और गुल्ली बुल्ली रॉड ने मिलके जेसन को घेर लिया है। जेसन ने बुल्ली पे चाकू दे मारा। शॉन अब ठीक हो चुका है और अब ये बस गहरी नींद में है। अब बाबा जेसन के पास आने लगे। बाबा कहते हैं कि जेसन तुमने शॉन पे हमला करके अच्छा नहीं किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और इसे फ्रीज कर दिया और बाबा के मुक्के से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।